हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव पर। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स। इससे पहले भी हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर्स पढ़ा था, अब उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे राइट। अब लेकिन इससे पहले जान लेते हैं हम लोग अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव के मेंबर्स के बारे में। उमाकांत शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, विक्रमजीत चौधरी सर रीजनिंग गुरु कहलाते हैं, शंभू कुमार सर जीए और जीएस में डील करते हैं, पवन राव सर तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स से धुरंधर, एक एक से धुरंधर है हमारी टीम में। ठीक है, सबसे पढ़िए, सबसे मजे लीजिए और कंपटीशन को क्रैक करिए। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, बट स्टिल आई विल टेल कि पिछले 8 सालों से मैं एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा लर्नर्स को मैं मेंटोर कर चुका हूं। Popularly and lovingly, I'm called a walking dictionary because I have memorized all the words of Oxford Advanced Learners Dictionary. Right? Now, Telegram app download कर सकते हैं अपन Academy का। Telegram app download करने के बाद में आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन से teachers कब कब class लेने वाले हैं, सारी information आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगा। और अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में यू हैव टू चूज योर गोल दैट इज एग्जाम, और उसको चूज कर लेंगे तो आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर्स हैं सबको आप एक्सेस कर सकते राइट। तो बहुत ही फायदे की चीजें हैं ये सब, इनका लाभ जरूर उठाइए। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि अपने आप फेवरेट टीचर से पढ़ते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल एजुकेटर्स इन दैट कैटेगरी। ठीक है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अनलिमिटेड एक्सेस होता है, रियल टाइम इंट्रैक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ, मतलब ऑनलाइन जब एजुकेटर्स क्लास ले रहे हैं तो उनसे आप इंट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क डाउट्स इन लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द वीडियोज एंड वॉच देम ऑफलाइन टू, आप वीडियोज को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं राइट। सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उस टॉप एजुकेटर्स की जो हमारे अनअकैडमी पर हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की सब्सक्रिप्शन की, यू नो। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6,000 रुपये का है, और अगर उसमें आप अप्लाई करते हैं SR लाइव कोड तो वो 10% डिस्काउंट होता है और वो हो जाता है 5,400 रुपीज़ का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 24 महीने की सब्सक्रिप्शन की, यू नो 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑफ 9,600 रुपीज़। लेकिन अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं SR लाइव कोड तो 10% का डिस्काउंट मिलता है और वो हो जाता है 8,640 रुपीज़ का। बात समझ में आ रही है? तो ये आप लोगों के लिए राइट बहुत ही खास बात है। ठीक है, तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन सब का फायदा जरूर उठाइएगा। ठीक है राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की। वो सेंटेंस क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी शी इज हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मेरे अनुसार, ठीक है, वो उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है राइट। सो यहां पर देखते हैं क्या गलत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरे अनुसार, अब यहां पर ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू मी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी में अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर, ये राइट एक्सप्रेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर होता है आपका इन माई ओपिनियन।
इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से। तो अगर कभी भी कई अकॉर्डिंग टू मी आता है तो उसके ऊपर आप इन माय ओपिनियन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मी स्पोकन में सही हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर यूसेस ऑफ एक्सप्रेशन की तो ये प्रॉपर यूज नहीं माना जाता। कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप प्रॉपरली यूज नहीं, जिनको आप बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहां पर अगर हम लोग कहते हैं कजिन सिस्टर, तो कजिन सिस्टर नहीं होता बेटा, खाली कजन होता है, ठीक है, राइट। हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज क्या होता है, बहुत ही ठंडी हवा होती है और बहुत ही शीतल हवा होती है और जेंटल होती है, नहीं उसके साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, राइट। स्पाउस, वाइफ या स्पाउस हस्बैंड नहीं, स्पाउस खुद ही होता है, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, तो उसके साथ कुछ नहीं लगाते। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम लोग यूज नहीं करते, हम लोगों को प्रॉपर एक्सप्रेशन का यूज करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, इन माय ओपिनियन, क्या बोलेंगे आप लोग, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, ठीक है, इन माय ओपिनियन। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू हिम कहना बिल्कुल सही है, बहुत ही कमाल की बात है, अकॉर्डिंग टू हिम कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कहना, अकॉर्डिंग टू मी कहना, अकॉर्डिंग टू अस कहना, ये दोनों गलत है। मतलब अकॉर्डिंग टू के साथ में हम लोग फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं कर सकते, मतलब मी का यूज नहीं करेंगे, अस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट पर्सन का एक्सप्रेशन का यूज नहीं करते, हम थर्ड यूज कर सकते, सेकंड यूज कर सकते, मतलब अगर हमें कहना है अकॉर्डिंग टू यू, सही है, अकॉर्डिंग टू हिम सही है, अकॉर्डिंग टू देम सही है, अकॉर्डिंग टू हर सही है, ठीक है, लेकिन मी और अस कहना बिल्कुल क्या है बेटा, गलत, ठीक है, मी और अस कहना बिल्कुल गलत है। तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, इन सब का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है बेटा, जब अकॉर्डिंग टू यूज करते हो के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस जब आप ये यूज करते हो फर्स्ट पर्सन, तो ये शो करता है कि आपके अंदर एरोगेंस बहुत है, मेरे अनुसार, मतलब you have become a supreme authority, something, you know, तो कि आप बोल रहे हो मेरे अनुसार, तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं साउंड करता, इसीलिए इंग्लिश में इसको अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, स्पोकन में लोग यूज करते हैं। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की बेटा, तो मेन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मे नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा इन माई ओपिनियन, क्या हो जाएगा, In my opinion, चलो आगे, my wife is so good as you, ध्यान रखिएगा my wife is so good as you नहीं होगा, my wife is as good as you होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, as good as you, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये positive sentence है। So as का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में as और as का यूज करते हैं, इनफैक्ट as और as का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, लेकिन so as का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है। My wife is so good as you, ठीक है, my wife is so good as you है, गलत, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एज गुड एज यू, माय वाइफ इज एज गुड एज यू, क्लियर, सेंटेंस इज पॉजिटिव, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एज और एज का इस्तेमाल करेंगे।
अगर यहीं पर होता माय वाइफ इज नॉट सो गुड एज यू, ये बेटा बिल्कुल सही हो जाता है. माय वाइफ इज नॉट सो गुड एज यू. सो एज का इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस क्या बेटा नेगेटिव है, सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा. माय वाइफ इज नॉट सो गुड एज यू, दिस एक्सप्रेशन इज राइट करेक्ट. ठीक है, माय वाइफ इज नॉट सो गुड एज. क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? देन चलो, तो यहां पर हम लोग सो एज यहां पर क्या यूज कर देंगे, एज और देन माय वाइफ इज एज गुड एज. ठीक है, सो एज का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है, राइट. माय वाइफ इज नॉट सो गुड एज यू होता तो सही होता, नॉट लगा होता नेगेटिव में सो का यूज सही है. ध्यान बात समझ में आ गई कि सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होगा और एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगा. अब इनका मतलब क्या होता है, ये सिमिलैरिटी को शो करते हैं. मेरी वाइफ उतनी अच्छी जितनी कि तुम अच्छे हो या तुम अच्छी हो. ठीक है, तो सिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं एज एज सो एज, सो एज नेगेटिव और एज पॉजिटिव. डन. शी इज मोर स्मार्ट दैन यू, अगर हम कहते हैं शी इज मोर स्मार्ट देन यू, तो अब यहाँ पे देखना शी इज मोर स्मार्ट देन यू में मोर स्मार्ट की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा स्मार्टर, क्योंकि देखिए मोर आप तब लगाते हो जब उसी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है. अगर कंपैरेटिव डिग्री है ईआर लग के बन रहा है तो उसके पहले मोर नहीं लगाएंगे. अब गुड का कंपैरेटिव बेटर होगा, आप मोर गुड नहीं लगाते. आप ये थोड़ी ना कहते हो ही इज मोर गुड देन यू, गलत हो जाएगा. आप बोलते हो ही इज बेटर देन यू, क्योंकि भाई गुड का जो कंपैरेटिव होता है बेटा वो क्या होता है, बेटर होता है. ठीक है, गुड का क्या होता है, बेटर होता है. ठीक है, मोर गुड नहीं होता. यस और नो? तो शी इज मोर स्मार्ट देन यू नहीं होगा, शी इज स्मार्टर. ठीक है, देन राइट. चलो नेक्स्ट आगे मूव करें. शैल वी स्टार्ट? आई हैव नॉट प्लेड हॉकी यस्टरडे. यहां पे स्पेलिंग सही नहीं लिखी है बट करेक्ट कर लेते हैं. आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई हैव नॉट प्लेड हॉकी यस्टरडे. अब यहाँ पे गलती कहाँ है, सामने सामने गलती है. यस्टरडे कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है. और अगर पास्ट की बात कर रहा है बेटा तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा. Yesterday कब की बात करता है, पास्ट की बात कर रहा है. तो आप बोलोगे आई डिंट प्ले. आई डिड नॉट प्ले हॉकी yesterday. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, आई डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे. ठीक है, तो आई हैव नॉट प्लेड हॉकी यस्टरडे नहीं होगा, यस्टरडे नहीं होगा, आई डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे होगा. क्योंकि यहां पर बात यह है
कि यहाँ पर yesterday आ गया है जो कब की बात कर रहा है, past की, और past की अगर बात कर रहा है तो present perfect में नहीं बनेगा। तो have अगर लगता है तो क्या होता है, present perfect होता है, और present perfect होता है तो नहीं बनेगा, right? Isn't it clear है? चलो आगे next move करते हैं। I have had lunch today, क्या ये sentence सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर have भी आया, had भी आया। Yes, subject ये है, have आपका helping verb है, had आपका क्या है, main verb है, ठीक है? तो helping verb के बाद में क्या आया आपका, main verb आया है। क्या आया है बेटा, मेन वर्ब आया है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। हैव खाना होता है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव एक मेन वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है टू ईट। Had had, ठीक है, तो verb की second form had, verb की third form भी had, तो I have had lunch today, मैंने आज lunch किया, तो today तो present की बात कर रहा है, तो present perfect में बन ही सकता है। तो ये वाला जो had है बेटा main verb की तरह काम कर रहा है, खाने के लिए verb की third form, क्योंकि has have के बाद में had के बाद में verb की third form आती main verb। तो I have had lunch today बिल्कुल सेंटेंस सही, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बातें क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी क्या, कि हम कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं had, have had, ठीक है, खाने के सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है, यहाँ पर have हेल्पिंग वर्ब है और had मेन वर्ब है, क्लियर है बेटा? एक बार रिवाइज करते फटाफट रिवाइज करते। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर क्या होते हैं, इन माइंड, मेरे विचार से, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का यूज अगर होगा तो मी नहीं होगा, माय ओपिनियन, आर ओपिनियन, माई वाइफ इज सो गुड एज यू, पॉजिटिव सेंटेंस, सो एज का यूज नहीं होगा, नेगेटिव में होगा। सी इज मोर स्मार्ट देन यू, तो सी इज मोर स्मार्ट देन यू नहीं होगा, क्या होगा, शी इज, सी इज मोर स्मार्ट देन यू नहीं होगा, क्या होगा, शी इज स्मार्टर देन यू। क्लियर? I have not played hockey yesterday. I have not played hockey yesterday. में yesterday कब की बात कर रहा है? Past की बात कर रहा है. और जब past की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I played hockey yesterday. I have not played hockey yesterday. नहीं होगा. I played hockey yesterday होगा. Clear? बात समझ में आ रही है? Past की बात कर रहा है. Done? चलिए, I have had lunch today, आपको बता दिया मैंने, I have had lunch today में क्या है, मैंने आज लंच किया है, राइट, तो have helping verb है और had आपका main verb है, तो I have had lunch today क्या है, बिल्कुल sentence सही है, कोई भी as such problem, done, clear? श्योर? चलिए, सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रखते हैं, क्लियर, और नेक्स्ट क्लास में आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।
थैंक यू सो मच. ठीक है, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, राइट. गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप जल्दी अपने एम को पाए हमना है. थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स क्रैक इट.